मैं नीलम आप सबका तहे दिल से मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो हर जगह हर सिटी में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, जैसे कि गोलगप्पे, गुपचुप, पानी पूरी, बताशे और उचके और इन सारे नामों से उसे जाना जाता है और बहुत ही कुरकुरे बहुत ही क्रिस्पी बनने वाले हैं आज के ये रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी, लेट्स गेट स्टार्टेड। गुपचुप बनाने के लिए हमें पहले फुलका बनाना पड़ेगा, गुपचुप का जो फुलका होता है वो बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये सारी चीजों की जरूरत है। मैंने एक छोटा कटोरी गेहूं का आटा लिया है, नॉर्मल गेहूं का आटा, सेम मेजरमेंट में एक छोटा कटोरी सूजी मैंने लिया है, हाफ कटोरी मैदा लिया है मैंने, और ये खाने का सोडा है और ये बेकिंग पाउडर है, ये एक एक पिंच दोनों जाएंगे और थोड़ा से पानी गूंथने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कैसे गूंथना होता है। पहले मैं एक कटोरी आटा ले लेती हूँ, फिर एक कटोरी सूजी ले लेती हूँ, फिर हाफ कटोरी मैदा ले लेती हूँ, मैदा ऑप्शनल है आपकी। तो ये डाल लेते हैं, हाफ टी स्पून खाने का सोडा डाल रही हूँ और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर भी डाल रही हूँ। अब इन्हें हम अच्छे से मिला लेते हैं। आप इसे पूरे गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं, पूरे मैदे में भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने दोनों लिया है और सूजी तो मस्त है, सूजी से ही जो गुपचुप के फुलके होते हैं वो क्रिस्पी बनते हैं। पहले इसे अच्छे से सारी चीजों को मिला लें, फिर थोड़ा थोड़ा पानी देके इसे एक टाइट डो इसका गूंथ लें। देखिए एक टाइट डो मैंने गूंथ लिया है, इसे ज्यादा ना गूंथें, थोड़ा टाइट डो रखें, तभी जाके आपके गुपचुप क्रिस्पी बनेंगे। थोड़ा से ऑयल इसमें डाल दें, इसे रेस्ट के लिए हाफ एन आवर के लिए हम छोड़ देते हैं ढककर। देखिए खट्टा पानी बनाने के लिए हमें ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। मैंने इमली को भिगो के रख लिया था एक घंटे पहले, और ये थोड़ी लाल मिर्च पाउडर है, ये जीरा पाउडर है, भुना जीरा पाउडर, देखिए ये ब्लैक सॉल्ट है टू टेस्ट लेंगे, और यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता रखा है, पुदीना पत्ता रखा है और एक चिली रखा है, जिसे हम मिक्सचर ग्राइंडर में डाल के इसे ब्लेंड कर लेंगे, इसका एक प्यूरी बना लेंगे, हरी चटनी। देखिए अब इस इमली को हम इमली के पल्प को निकाल लेते हैं। देखिए पूरा फ्रेश पल्प निकल चुका है, इसे हम डाल लेते हैं। अब ये जो हम रखे थे इसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इससे भी पल्प निकाल लेते हैं, ऐसे करके, ऐसे पानी डाल डाल के इमली से हम इसका पल्प निकाल ले रहे हैं, ऐसे करके पूरी इमली से पल्प निकाल लें इसका। अब जो ये हरी चटनी हमने पीसा था वो डाल लेते हैं इसमें, थोड़ा से हरी चटनी मैंने बचा लिया है आलू चटनी में डालने के लिए। भुना जीरा पाउडर हम डाल रहे हैं, ब्लैक सॉल्ट डाल रहे हैं, चिली पाउडर थोड़ा से टेस्ट के लिए डाल रहे हैं, इसे हम नॉर्मल सॉल्ट भी डाल देते हैं। अब इसमें पानी डाल के इसे मिला लेंगे। देखिए हमारा गुपचुप का खट्टा पानी भी तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके आलू चटनी बनाने के लिए। गुपचुप का मसाला बनाने के लिए हमें ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। दो बॉयल आलू मैंने ले लिया है, नम सॉल्ट टू टेस्ट लिया है, ये भुना जीरा पाउडर है ये हाफ टी स्पून लेना है, चिली पाउडर है हाफ टी स्पून लेना है, छोटे छोटे प्याज काट के रखा है, और ये चना है जिसे हम घुगनी बनाते हैं, मैंने इसे रात भर भिगो के और नमक डाल के बॉईल कर लिया है। पीनट्स हैं, तेल में मैंने रोस्ट करके इसे रखा है, इससे इससे मसाला आलू के मसाले में बहुत मजे के टेस्ट बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे मसाले बनते हैं। यहाँ पे मैंने दो बॉयल आलू ले लिया है, आप सॉल्ट लें टू टेस्ट, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, चिली पाउडर हाफ टी स्पून, प्याज ले लें, चना ले लें, आप अपने हिसाब से लें, और यहाँ पे जो हमने तेल रोस्टेड पीनट्स रखा था वो थोड़ा ले लें, पुदीना धनिया पत्ता, कच्ची मिर्ची का जो मैंने पेस्ट बना के रखा था जो पानी में डाला था उससे थोड़ा से मैंने बचा के रख लिया था वो इसमें डाल लेते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इन सब चीजों को हम मिला लेते हैं। देखिए ये हमारा चटनी प्रिपेयर हो चुका है। अब हम एक टिप्स मैं आपको बता देती हूँ, हम हमेशा गुपचुप खाने बाहर जाते हैं तो तब गुपचुप वाले भैया को बोलते हैं भैया थोड़ा चटपटा बनाइए, तो वो जो चटपटा बनाता है उसका राज ये है, जो हमने पानी बनाया था ना उससे हम थोड़ा से इस चटनी में डाल दें तो इससे आपका ये जो चटनी भी है ये भी चटपटा बन जाता है, ये राज है गुपचुप वाले भैया का। तो देखिए हमारा चटनी भी बन चुका है, ते हैं देखिए हमारा पानी चटनी सब तैयार है। तो चलिए अब हम गुपचुप को फ्राई कर लेते हैं।
देखिए हमारा एक घंटा हो चुका है, इसी बीच हमने मसाला और पानी भी बना चुके हैं। अब इसे हम अच्छे से थोड़ा गूंथ लेते हैं, तो तीन पार्ट हम कर लेते हैं। ज्यादा सूखा आटा डस्ट ना करें, से अच्छे फूलते नहीं है पूरी। देखिए आपके पास कोई कटर हो या बच्चों के टॉयज हो, ग्लासेस हो, उससे ही आप गुपचुप को कट कर लें। ये जो बाकी के हैं इन सबको हम निकाल लेते हैं। एक एक बार बेल के गुपचुप को थोड़ा बड़े साइज में कर रही हूँ। हमारे सारे गुपचुप बन चुके हैं, तो अभी हम ऑयल चढ़ा देते हैं फ्राई के लिए। ये गुपचुप बनाना इतना आसान भी नहीं है, देख रहे हैं किस तरह से मेरा पसीना छूट गया है। हाल बुरा है, तो होगा मैं मूड होके आई हूँ, लेकिन सच मानिए मैं मूड होके नहीं आई हूँ, पूरा पसीने से मैं भीगी हुई हूँ। तो चलिए मेरा सक्सेसफुल गुपचुप बन जाए आप लोगों के लिए, तो चलिए फ्राई कर लेते हैं गुपचुप। देखिए यहाँ पर मेरा धुआंदार गर्म हो चुका है तेल, गुपचुप भी रेडी है, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। नीचे का पोर्शन नीचे ही रहेगा, ऊपर का पोर्शन ऊपर ही डालेंगे। देखिए एक एक करके ही आप डालें, तभी आपके गुपचुप अच्छे से फूलेंगे। देखिए किस तरह से फूल रहे हैं गुपचुप हमारे, ऐसे एक एक डालें और एक एक को पूरा टाइम देके बनाएं। तेल धुआंदार गर्म होने के बाद आप पूरियों को डालें और उसे चम्मच से ऐसे दबाते हुए फुलाएं, इससे आपके पूरे गुपचुप अच्छे से फूल जाते हैं। देखिए कितने अच्छे से फूल रहे, तैर रहे हैं तेल में ना। ये हमारा गुपचुप पानी और मसाला तैयार है। आप गुपचुप का क्रिस्पीनेस देख सकते हैं, कितना फूले फूले गुपचुप हमारे हुए हैं। इसका क्रिस्पीनेस आप देखना चाहेंगे तो देखिए मैं आपके सामने इसे करके दिखाती हूँ, कितने क्रिस्पी गुपचुप हुए हैं। और भी एक करके दिखाती हूँ, तो ऐसे ही हमारे क्रिस्पी गुपचुप हुए हैं। आज मैं आप सबके लिए गुपचुप की रेसिपी तैयार किया है। अगर आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।